हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। मंगल ने सीधे शर्मा सुषाद के शरण में तंग के गौरी नारायण नमस्ते। क्या हवे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के झुंड राज जंग की यहाँ की सरकार अपना हिंसा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है। मुखे बोले होड़ी होड़ी और कार्य क्षेत्र कोड़ी चूड़ी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। बंग भूमि की चुनावी जंग अब तीसरे रण की ओर बढ़ चली है। 6 अप्रैल को 31 सीटों पर बंगाल का चुनावी दंगल होना है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर बंग युद्ध में हुंकार भर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के रण से पहले 2 दिन के बंगाल दौरे पर आ सकते हैं। ये दौरा अहम इस लिहाज से है कि कभी राम के नाम से आग बबूला होने वाली ममता दीदी इन दिनों जबरदस्त धर्म खेला में जुटी हुई हैं। Mr. Tinka, I will request the leader of BJP, please. तो राम द्रोही है उनके अभी। तो देखिए, ये जबरदस्त ये दौरा अहम इस लिहाज से क्यों है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है जोरों शोरों से, उन्होंने विपक्षी दल पर, टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। और देखिए, कभी राम के नाम से आग बबूला होने वाली ममता दीदी इन दिनों जबरदस्त धर्म खेला में जुटी हुई है। उसी का करारा जवाब देने के लिए देखना होगा कि अब योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। Mr. Tinka, I will request the leader of BJP, please. तो राम द्रोही है उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। बंगाल का सत्ता संग्राम अब तीसरे रण की ओर बढ़ चला है। इस वोट युद्ध में 6 अप्रैल को जंग 31 सीट की है, पर इससे पहले ही सबसे प्रबल सबसे प्रचंड योगी आदित्यनाथ बंग भूमि में एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं। भारत के अंदर हर व्यक्ति, हर नागरिक राम के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति महसूस करता है, लेकिन राम का विरोध ममता दीदी बंगाल की धरती पर करती है। कहती है जय श्री राम का नारा मत लगाओ, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। दिलचस्प है कि योगी का ये दौरा उस वक्त होने वाला है जब ममता दीदी का धर्म खेला जारी है।
कभी राम के नाम से आज बबूला होने वाली ममता बनर्जी अब अपनी रैलियों में खुद को ब्राह्मण की बेटी बता रही है। तो मुसलमान तुम तो हिंदू भोटा दिवी ना तो ममता बनर्जी की हिंदू ना मुसलमान ब्राह्मण में। इस बार योगी आदित्यनाथ पूरे दो दिन के लिए बंगाल दौरे पर रह सकते हैं। 3 और 4 अप्रैल को योगी बंगाल दौरे पर रह सकते हैं। इस दौरान योगी 8 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। योगी आएंगे तो जय श्री राम का उद्घोष होगा, केसरिया ध्वज थामे समर्थकों का अपार जन सैलाब होगा, जुबानी शब्द बाण ममता दीदी पर चलेंगे। जब योगी मंच पर आते हैं विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हैं तो नजारा कैसा होता है। ये मार्च के महीने में 2 मार्च को मालदा और फिर 16 मार्च को पुरुलिया और 25 मार्च को नंदीग्राम में दिखाई दिया। ये बंगाल की आवाज जो भारत के अंदर कभी भक्ति आंदोलन का कारण बनी थी, कभी देश के स्वाधीनता का आंदोलन बनी थी, कभी कश्मीर को बचाने की आवाज बनी थी, आज वो बंगाल की आवाज को टीएमसी ने बंगाल के अंदर ही दफन करने का काम किया है और उसको उभारने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे युवाओं ने अंगड़ाई ली है। और इसलिए भाइयों बहनों हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। योगी ममता राज में दुर्गा पूजा को लेकर बीजेपी की तरफ से उठाए जाने वाले सवालों को भी नई धार देंगे। बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का काम भी उन्होंने एक समय किया था और उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है, बंगाल के अंदर भी ये होना चाहिए। योगी के निशाने पर राष्ट्रवाद की धरती बंगाल में अराजकता फैलाने वाली गैंग भी रहेगी। आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि पर बंगाल के अंदर पर टीएमसी की सरकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। मतलब महाराज के आने से बंग भूमि पर एक बार फिर से दिखाई देगी वो भगवा सुनामी जिसमें विरोधी खेमा बह जाएगा। तो बंगाल के चुनावी जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब जब हुंकार भरते हैं ममता दीदी के खेमे में हाहाकार मच जाता है। मालदा पुरुलिया नंदीग्राम के बाद अब तीसरे रण से पहले भी महाराज बंग के रण में उतर रहे हैं तो तय मानकर चलिए कि बड़ा प्रचार खेला होगा। बंग भूमि की चुनावी जंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे भरोसेमंद चेहरों में शुमार है। या देवी सर्वभूतेषु मत्ति रूपेण संस्थिता। जहां एक ओर ममता दीदी धार्मिक समीकरण साधने के लिए चंडी पाठ से लेकर कलमा तक पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी बंग युद्ध में खुद को एक खास कौम का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताने की होड़ में बंटवारे की सियासत जारी है। कैसे यहाँ पर जो इमाम भाता जो हम लोग बंगला में कहते हैं उसे कैसे दफा किया जाए। मानुष बोले दीदी जन्य बेचे आछी मुसलमान रा सुने रेखे दाओ तुम्हारा दीदी बेचे आछे मुसलमान देर जन्य एटा बोले गेलाम। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को अपने समर्थकों के बीच जोर शोर से पहुंचा रहे हैं। शंकर देव के कारण ये धरती बच पाई थी, अन्यथा कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। योगी केसरिया ब्रिगेड के लिए जीत की गारंटी है। चुनावों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन शानदार रहा,
जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने प्रचार से दम दिखाया, वैसे ही उम्मीद बंगाल में भी लगाई जा रही है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, इनमें से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी AIMIM को उसके गढ़ में पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 46 सीटें जीती। इसका श्रेय भी एक हद तक योगी के आक्रामक चुनाव प्रचार को दिया जाता है। यहाँ के लोगों को सेवा का लाभ चाहिए और बंगाल की बहन और बेटियों को भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए, और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM होने के साथ साथ गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं। नाथ समुदाय का संबंध